हाय दोस्तों, आप लोग ठीक हो? हम भी उठ गए, प्रिंस भी उठ गया, सभी लोग उठ गए। बिस्तरा आप लोग देख सकते हो, सब गोल हो गए हैं, सब बटोर के रख दिया है और लाइट भी बंद कर दी है। दोस्तों चलते हैं, खाना वाना बनाते हैं। हमारे के यहाँ 7 बज गए, झाड़ू मारा, बर्तन धोया। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, आप साफ सफाई सब हो गए हैं और मेरी बकरियाँ भी तो सारी बिक गई हैं, मतलब टेंट हुए हैं। दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं, और तीनों भी कैसे खड़े हैं, खाने के लिए दौड़ रहे हैं। दोस्तों आज बनाएंगे हम चने की सब्जी, आज दोस्तों दिखाएंगे बनाएंगे, तो आप लोग को देख सकते हो सब ठुकवा कर रखे हैं, सारे मसाले देख सकते हो। ये चना है, ये आलू है, अभी हमारे रसोई गैस उस पर रखा है। दोस्तों चलते हैं बनाते हैं, आप लोग को दिखाएंगे। ले चलते हैं, इसको बट्टा पे घिसते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, सारा सुबह सुबह सारा झाड़ू लगाया, बर्तन मांजा, दोस्तों सारा काम हो गया है। चलते हैं, स्कूल है प्रिंस का, बनाते हैं खाना वाना, आप लोग को दिखाएंगे बनाएंगे। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? तो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था प्रिंस की मम्मी और भाई, अभी हम लोग चले गए थे बाहर और अभी हम जा रहे हैं मिट्टी लाने, क्योंकि मिट्टी लाना ज़रूरी है दीवारों में लगाने के लिए। तो अभी तालाब में देख के आया था लेकिन पानी भर गया, लेकिन साइड में थोड़ा थोड़ा मिट्टी मिलेगा अभी। तो चलते हैं, हम प्रिंस लेके आते हैं। और इधर भाई खाना बनना स्टार्ट हो गया है और देख सकते हो अभी बन रहा है, आज स्पेशली चने का साग बन रहा है और बहुत टेस्टी बनता है भाई इसका। तो साल में भाई एक तड़का मार दिया है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। मतलब लोहे के कढ़ाइया में चने के सब्जी बनाना वो तो बहुत बेस्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों खाने में, इसमें के टेस्ट बढ़ जाता है। और देख सकते हो लोहे के कढ़ाइया में मैं छौंक रहा हूँ सब्जी। अब इसमें मसाला छोड़ देते हैं दोस्तों, इसको भूज देते हैं मसाला के साथ साथ निमोना, और इसलिए टमाटर फट जाता है तो निमोना फट जाता है। इसको छीमी को हो चने को हो तो हमको लोग को ज़्यादा अच्छा नहीं, खट्टा मीठा हो जाता है, खट्टा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए इसके टेस्ट भी टमाटर के हम लोग बनाते हैं, अपन अपन पसंद होता है दोस्तों, जैसे मर्जी का है वैसे बनावे उसको अच्छा लगता है। मतलब हम लोग ऐसे बनाते हैं, आप लोग देख सकते हो। इसको छील कर पीस लिया हूँ बट्टा पर, देख सकते हो ना ज़्यादा महीन है ना ज़्यादा खड़ा है, ऐसे इसको भूज लिए। अब इसको मसाला के साथ इसको भूज देंगे, खूब लाल कर देंगे इसको, इसको अच्छा लगेगा। भूज देते हैं तो खाने में बहुत अच्छा स्वाद आता है। सीजन में खाली 2 रोज़ चना की सब्जी बनी है बस, आज पहली बार बन रही है। एक दिन शाम के प्रिंस नंगा गया तो थोड़ा सिरा तो उसको बनाए थे, देख सकते हो ये लाल हो गया, पकड़ने लगा। इसमें देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें आलू डाल देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो कैसे लाल लाल पकड़ लिया है। अब इसमें पानी छोड़ देते हैं। तो भाई जब तक खाना बनता है, और ये बाल्टी ले लिया हूँ और एक बाल्टी और लेना है, तो चलते हैं लेके आते हैं मिट्टी। और भाई दूर है यहाँ से और हम प्रिंस जाएंगे और अभी ट्राई मारेंगे, अगर अच्छी मिट्टी होगी तो फिर लाएंगे ज़्यादा, अगर थोड़ा होगा अच्छा नहीं होगा तो फिर उसके बाद कम ही लाएँगे। तो फिलहाल अभी निकलते हैं लेके बाल्टी बाल्टी यहाँ से। तो भाई फाइनली अभी आ गया माटी लेने के लिए, और ये भाई ये माटी सूखी हुई है थोड़ा थोड़ा, आप ही देख सको पानी भरा हुआ है, तो ये माटी गिली है। तो ये 2 बाल्टी लाया हूँ और हम और प्रिंस हैं, तो चलते भरते हैं इसको इसमें फटाफट। अभी आगे देखिए, अभी ये गिली है, अभी जो गिली है इसी को भरेंगे हम लोग। और इधर भी साइड में है, अभी देख सकते हो बहुत सारी मिट्टी है, ये सड़ी हुई मिट्टी है तालाब की, और सड़ी हुई मिट्टी दीवार पर लगाएँगे तो फटेगा नहीं ना निकलेगा और बहुत अच्छा बनेगा। तो भाई फाइनली अभी प्रिंस भरने लगा और इसमें एक एक करके रख रहा है, और ये देखो किस तरह माटी है लाइट वाली, और ये दोस्तों सूखेगी एकदम से चमकेगी, मतलब ये तालाब की मिट्टी है ना तो एकदम चमकेगी जो दीवार पे लगेगी।
तो भाई अभी फुल हो गया बाल्टी और इसको, तो चलो भाई सर पे हाथ धो लो यहाँ इधर पानी में। तो भाई फाइनली लेके मिट्टी आ गया और मिट्टी यहाँ रख दिया हूँ और खाना वाना बन के रेडी है। जब तक हम लोग मिट्टी लेके आए तभी रोटी बन रहा है। और भाई देख सकते हो निमोना का तरी कैसे है, मस्त दिख रहा है भाई, एकदम ग्रेवी गाढ़ी हो गई पूरी यार, देख सकते हो। तो रोटी बनना स्टार्ट है, तो चलते भाई खाना वाना खाते हैं फटाफट। देख सकते हो भाई मस्त बनी है सब्जी, भाई चने की सब्जी फेवरेट है, साल में एक दो बार मिलता है बस जब सीजन आता है इस चने का। हम लोग जो मिट्टी लाए थे और अभी भाई दीवार में लगाना स्टार्ट हो गया है और इसको सान के रख दिए थे, 3-4 घंटा हो गया तो अभी ये सड़ चुका है, मतलब भर का ये गीला हो गया था। और इसमें ये मिलाए थे दोस्तों, ये पेड़ा का जो छिलका नहीं निकलता वो चीज मिलाए थे ताकि ये निकल के बाहर गिरेगा नहीं, अगर इसको नहीं मिलाएंगे तो सारा मतलब जो भी मिट्टी लगेगा निकल के गिर जाएगा। तो दोस्तों फाइनली अभी भाई घर बनना मेरा अद्भुत घर स्टार्ट हो गया है और आज आप लोगों को थोड़ा सा सैंपल दिखाया हूँ और अभी मिट्टी लगा दी, जितना भी मिट्टी लाया था वो पूरा लगा दिया हूँ और किस तरह फिनिशिंग दें हम लोग और लकड़ी और मिट्टी और भूसे की मिक्सचर से, और इसी की मदद से हम पूरे घर को ना एक ऐसा घर बनाएंगे ना जो सभी और से इतना फिनिशिंग करेंगे कि बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर वाला आप लोगों को सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी ये बन के रेडी होगा और हम लोग इसमें जीरो पैसा लगाएंगे, बिल्कुल पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि बस हम लोग अपना मेहनत लगाएंगे जितना भी हो सके। और आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।